नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। ये एकदम खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। अगर वीडियो में दिए गए टिप्स को आप भी फॉलो करोगे तो आपकी गुजिया भी एकदम खस्ता बनेगी। तो चलिए बनाते हैं होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। खस्ता गुजिया बनाने के लिए हम घी डालेंगे। 250 ग्राम मैदे के लिए हम 4 चम्मच घी ले लेंगे। घी को हमें गर्म नहीं करना है। इसी तरीके से हमें मोइन के लिए ठंडा घी काम में लेना है। अब इसे आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। हमने सारा घी मिला लिया है। अगर इस तरीके से ये मुट्ठी में बनने लग जाए तो इसका मतलब हमारा घी बराबर मात्रा में है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से टाइट आटा लगा लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालेंगे और आटे को थोड़ा टाइट ही रखेंगे। आटा हमारा लग चुका है। अब इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम एक पैन के अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़े काजू और बादाम को फ्राई कर लेंगे। इनको धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। अब हम थोड़े पिस्ता भी डाल देंगे और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब हम काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसी घी में हम आधी कटोरी नारियल गुड़ डाल देंगे और इसको भी धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। इसको चलाते जाएंगे जिसे ये जले नहीं। इसका भी कलर चेंज होने लग गया है। अब इसे बाहर निकाल देंगे। अब इसी पैन के अंदर आधी कटोरी सूजी लेंगे और इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। हमें इन सबको धीमी आंच पे ही सेकना है। लगभग हमें इसे 1 मिनट तक सेकना है। 1 मिनट हो गया है, सूजी हमारी सिक गई है। अब इसे बाहर निकाल देते हैं। अब इसी पैन के अंदर हम 250 ग्राम मावा लेंगे। और इसको भी धीमी आंच पे सेक लेंगे। मावा गर्म होते ही इस तरीके से पिघल जाएगा। अब इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं और मावा का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे।
अब इसमें आधी कटोरी पीसी हुई शक्कर मिला लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सिकी हुई सूजी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नारियल बूरा डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। इस तरीके से हमारा गुजियों में भरा जाने वाला मसाला तैयार हो गया है। लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से गूंथ लेते हैं। और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। इसी तरीके से सारी लोइयां बनाकर हम कपड़े में ढककर रख देंगे। अब इनको बेल लेंगे। इनको एकदम पतला बेलना है पूड़ियों की तरह। इस तरीके से हम सारी पूड़ियां बेल लेंगे। अब हम गुंजिया बनाने के लिए एक साँचा ले लेंगे। अब पूड़ी को इस तरीके से ऊपर रख देंगे। आप इसके किनारों पे पानी लगा लेंगे चारों तरफ। अब इसके अंदर 2 चम्मच मसाला डाल देंगे। हमें इसे मसाले से पूरा भरना है अंदर से। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। अब इसको धीरे से खोल देंगे। हमारा गुजिया एकदम भरा भरा तैयार हुआ है। अब इसे हल्के हाथों से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें तेल गरम कर लेंगे। तेल को हमें हल्का गरम करना है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसके अंदर गुजिया को डाल देते हैं। हम इसमें एक साथ ही 10-12 गुजिया डाल देंगे जिससे हमारे गुजिया अच्छे से फ्राई हो सके। हमें इनको धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। इनको हम बीच बीच में पलटते जाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। चार से पाँच मिनट हो गए हैं और हमारे गुजिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए गुजिये भी फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे गुजिये बनकर तैयार हो गए हैं। ये एकदम खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार आप भी घर पे बनाइए और खाइए।
और अपने अनुभव मिट्टी मनवार पर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।